सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। मैं भावना, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनका पहला करवा चौथ है उनके लिए तो ये दिन बहुत स्पेशल होता है, और जिनके लिए मतलब जिनका पहला नहीं है, स्पेशल तो होता ही है, बट फर्स्ट टाइम वालों को थोड़ा और ज़्यादा क्रेज़ होता है। और मेरा तो ये चौथा करवा चौथ है। हाँ, चौथा करवा चौथ है। तो बस अभी मैं आई हूँ स्कूल से। सुबह में इतनी जल्दी में थी, मतलब मुझे लेट हो गया था आज, तो इस वजह से मैं आपको मतलब रेडी हुई तो मैं कुछ ऐसा व्लॉग वगैरह शूट कर नहीं पाई, क्योंकि सिया की थोड़ी तबीयत खराब है, उसे कोल्ड वोल्ड हो रखा है, तो वो टाइम से सोती नहीं है। तो सुबह भी उसने मेरे को उठने नहीं दे रही थी, वो तो मेरे को लेट हो गया था। फिर फटाफट से मैं आई और चेंज वेंज करा, तो साड़ी पहननी थी, तो फिर थोड़ा टाइम लग जाता है उसके साथ, मतलब एंगल्स वेंगल्स ये सब वो ताम झाम। तो बस उसके बाद फिर जब मैं जल्दी से चली गई स्कूल, आज पहली बार मैं इतना लेट गई स्कूल, मतलब मुझे 7:30 हो गया था, और कहाँ 7:20 का टाइम है। तो बस अभी मैं आ चुकी हूँ वापस, और मैंने कहा चेंज करने से पहले एक बार आपको दिखा देती हूँ। तो ऐसा सा था कुछ मेरा लुक, मैंने ये पीच कलर की बहुत प्यारी सी साड़ी है ये पहनी थी। मैं आपको कैमरा रिवर्स करके भी दिखाती हूँ। ये मेरी मेहंदी, ये देखिए। तो ये थी मेरी साड़ी। और कल रात को, मतलब वो आपने अगर पहला वाला व्लॉग नहीं देखा तो वो देखिएगा, हमने रात में 11 बजे के आसपास तक जाके हम मेहंदी से निपटे थे, वो भी मतलब एंड टाइम पे बिल्कुल। तो बस ऐसा सब था कुछ आज का दिन, मतलब ऐसा शुरुआत हुआ। और अभी करेंगे शाम की पूजा, और उसके लिए पहले रेडी होंगे, तो बने रहिएगा व्लॉग में। व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा आपको, तो एंजॉय कीजिएगा। और कुछ कमेंट्स हो, कुछ कहना हो तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो और चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी मैं स्कूल से आई थी, नीचे कारपेंटर का वर्क चल ही रहा है और बाकी सब सो रहे हैं, तो फिर मैं सीधे ऊपर आ गई कि चेंज वेंज कर लेती हूँ तब तक, और फिर फ्रेशन अप हो जाती हूँ, उसके बाद देखती हूँ आगे की क्या प्रोसेस है। तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फेस वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है, और अभी मैं गई थी नीचे, तो अम्मा भी अपना जो रेडी होने का सामान है, बैंगल्स वगैरह, साड़ी वगैरह, वो सब निकाल रहे थे। सिया भी उठ चुकी है, दादू भी उठ चुके हैं। तो बस अभी फिर मैं वापस आ चुकी हूँ ऊपर, सांस फूल रहा है। और अभी होते हूँ चे मतलब रेडी होती हूँ, चेंज करते हैं, और फिर मतलब पूजा वूजा करेंगे, जो भी होगा जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाऊंगी, तो बनी रहिएगा व्लॉग में। तो ये वाली साड़ी मैं पहनने वाली हूँ, बिल्कुल रेड कलर की सिंपल सी साड़ी है। तो आपसे मिलती हूँ अभी चेंज करने के बाद। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी, और अम्मा भी रेडी हो चुकी हैं, सिया भी रेडी हो चुकी है, और अब हम करेंगे पूजा। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये ऋषि सिया, हाय, कैसे हो? बढ़िया हो? आप बोलो कैसे हो? दत्त देवी, मेहंदी तो दिखा दो अपनी। वाओ, हम लोग आ चुके हैं मंदिर में, और ये सिया बीच बीच में नाच रही है, डिस्टर्ब करने आ रही है। तो इधर पूजा की शुरुआत हो चुकी है, और अभी अम्मा सबको लगा रही है पहले टीका। और ये देखिए हमारा छोटू सा क्यूट सा मंदिर। मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, श्रद्धा होनी चाहिए, आस्था होनी चाहिए। तो फिर एक सिंगल सी मूर्ति आप ऐसे ही भी रख देंगे ना, तो उसमें ही बहुत शक्ति हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। आप सबकी अपनी अपनी सोच है। तो बस अभी हम पूजा शुरू करेंगे, और सबको टीका लगाने के बाद अभी हम लोग टीका विका लगाएंगे। अब जैसे अम्मा ने अपने लगा लिया, तो अभी मेरे लग रहा है, और शायद सिया के लग चुका था इस टाइम तक। तो और पिछली बार ऐसी ही, मतलब मेरी कज़न भी थी, तो उस टाइम पे भी हम सेम इसी तरीके से रेडी होकर पूजा वूजा कर रहे थे। तो मुझे इस टाइम पे ना वो भी याद आ रहा था कि लास्ट ईयर भी हमने इस तरीके से बहुत अच्छे से मनाया था। तो सारा सामान हमने यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है, चावल, पानी, टीके का, और ऐसा शॉर्ट तो कुछ नहीं होता है। हाँ, थोड़ी सी दक्षिणा रखी होती है बस। अब कथा पढ़ने का टाइम हो गया, तो कथा पढ़ रहे थे, और मतलब मैं नहीं पढ़ती हूँ, अम्मा ही पढ़ के सुनाती हैं। तो कथा के बाद फिर हम लोगों ने करी आरती, इधर वो आरती कर रहे हैं और मैं घंटी बजा रही हूँ। फिर थोड़ी देर में हमने चेंज कर लिया, फिर चेंज करके मैं करूँगी, और मतलब इसी तरीके से दोनों मिल के पूजा वूजा कर लेते हैं साथ में ही। और
और अलग से मतलब कुछ नहीं करना होता है, जो भी होता है। मैं तो वैसे भी हर साल भूल जाती हूँ, अभी ये फोर्थ करवा चौथ था मेरा, बट मैं फिर भी भूल जाती हूँ कि इसके बाद मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो अम्मा साथ में होते हैं तो फिर मेरे लिए भी इजी हो जाता है, वरना अकेले तो मैं फ़ोन पे पूछती ही रह जाती कि अब क्या करना है अब क्या करना है। तो बस आरती वारती हो गई, उसके बाद सब आरती लेंगे और पहले भगवानों को दे दी, अब उसके बाद हम लोग लेंगे, फिर उसके बाद हम चलेंगे ऊपर। अच्छा, सबके यहाँ अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, हमारे यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। वैसे मैंने देखा तो नहीं है, मतलब जैसा सुना है और पढ़ा है उस हिसाब से हमारे यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, सबका अपना अपना कल्चर है। तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए कमेंट मत करिएगा, हो सकता है आपके यहाँ बिल्कुल दूसरे प्रोसेस में मनाया जाता हो, बट वही है कि फीलिंग सेम है, जो उसका रीज़न है जिस वजह से मनाया जाता है वो सब सही होना चाहिए, तो फिर प्रोसेस कुछ भी होना वो तो चलता है। तो आरती करने के बाद अब हम लोग चलते हैं ऊपर और फिर बाकी का जो पूजा है वो वहाँ पे होगी। हम लोग आ चुके हैं छत में और पूजा करते टाइम ना मुझे टेंशन हो रही थी और रेडी होते टाइम भी कि कहीं हम लेट ना हो जाएं, क्योंकि ये जो अब आधी पूजा है ये सूरज को अर्घ वगैरह देना और ये सब जो होता है वो सूरज ढलने से पहले ही करा जाता है। तो अच्छा, अर्घ देते हैं वो चांद को देते हैं या सूरज को, मतलब जल जो होता है वो दोनों में ही चढ़ाते हैं यार, जो भी मतलब समझ जाना आप लोग। तो वो जो पूजा पाठ थी वो अभी सूरज की भी होनी थी ना, तो इस वजह से वो हो रहा था कि कहीं लेट ना हो जाए, बट हम टाइम पे आ गए और काफ़ी अच्छा उजाला था कि मतलब अभी काफ़ी देर तक रहने वाला उजाला था, हम लोग टाइम से आ गए थे और इस टाइम पे शायद हमें 5:15 के आसपास हो गया होगा टाइम। तो बस उसके बाद हमने पूजा उजा करी, अम्मा ने नीचे स्वास्तिक बनाया, उसके बाद सूरज को जो भी है टीका पिठा जो भी होता है वो सब दिया, उसके बाद हाथ में चावल लेके फिर हमने अर्घ दिया। वैसे तो अर्घ ही बोलते होंगे जहाँ तक है, अगर नहीं बोलते होंगे तो समझ जाना कि जल चढ़ाया है ना। तो वो सब करने के बाद फिर परिक्रमा करेंगे और परिक्रमा के बाद फिर बस आशीर्वाद लेंगे सूरज भगवान का और फिर उसके बाद अम्मा का, मतलब बड़े जो होते हैं उनका लेते हैं, आपके घर में जो भी हो आप उनका भी ले सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख के मतलब कभी कोई अगर देख के करे तो बस। उसके बाद हमने किया थोड़ा सा फ़ोटोशूट और फिर से अब थोड़ा टाइम बातें बातें करने के बाद हम लोग फिर से आ चुके हैं टेरेस पे। ये है शाम का टाइम जब चांद आ गया था, चांद का टाइमिंग था 8:15 से 8:10 तक कि आ जाएगा और वैसे उसी टाइम तक आ भी गया था। पिछली बार तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बादल आ गए थे तो कई लोगों ने तो पहले कर ली थी बट कई लोग फिर फंस गए थे तो उनका लेट हो गया था, जिसमें हम लोग भी थे। तो इस बार हम फटाफट से आ गए थे और दादू पहले ही आ गए थे टेरेस में कि देखने की, जैसे ही आएगा तो वो बता देंगे। तो फिर उन्होंने नीचे कॉल कर दिया था, फिर हम लोग वैसे भी रेडी हो ही चुके थे यहाँ, क्योंकि हमने जो ज्वेलरी वगैरह है ना वो जब शाम को पूजा करी थी तो उतार दी थी, उसके बाद फिर हमने दोबारा वेयर करा, मतलब दोबारा ही पिछौड़ा पिछौड़ा वो करा। तो बस इधर उसके बाद आके पूजा उजा हो गई है, ये आरती वारती हो गई, उसके बाद जैसे प्रोसेस से अम्मा ने करा वैसे ही मैंने करा, चांद को टीका वीका मतलब चढ़ाते हैं, उसके बाद हस्बैंड को लगाते हैं, फिर चांद की आरती, उसके बाद अब जो है छन्नी से चांद को देखते हुए और फिर अर्घ देना होता है। तो वो सबके यहाँ का जैसे मैंने पहले कहा कि अलग प्रोसेस है, हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से है। और कई बार तो कई जगह पे देखा है मैंने कि वो मतलब हस्बैंड को देखते हैं छन्नी से और ऐसा कुछ, हमारे यहाँ पे चांद को देखते हुए अर्घ देते हैं, उसके बाद आरती वगैरह होती है और बस फिर उसके बाद सबका आशीर्वाद ले लो। तो इस तरीके से कुछ हमारा करवा चौथ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। तो पूजा पाठ हम लोगों की हो चुकी थी और उसके बाद हम लोग आए हैं बाहर खाना खाने, ये आए हैं हम ऑलिव ग्रीन्स में।
तो ये थोड़ा आउटर में है इसलिए यहाँ पे टेबल बुक करना बहुत इजी हो गया था, वरना क्योंकि हमारा सडनली प्लान बना कि बाहर जाएंगे, अभी घर में इतना दिन भर का फास्ट है तो खाना वाना कौन बनाएगा, तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हम बाहर ही खाना खाएंगे। तो अभी हम आए हैं ऑलिव ग्रीन्स में, वरना हमारा प्लान दूसरी जगह जाने का था, पर हमने सोचा पता नहीं फिर हमें लास्ट ईयर की तरह भटकना पड़ेगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहीं आ गए। और वैसे आने से पहले हमें टेबल बुक कर दिया था, तो बस अभी हम खाएंगे खाना पूरे दिन फास्ट रखने के बाद। तो सब लोग अंदर जा चुके हैं और अब हम लोग भी चलते हैं अंदर। वैसे मतलब काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है और काफ़ी शांत एरिया था, मतलब कम भीड़ थी तो ज़्यादा हौच पौच नहीं था, ज़्यादा नॉइस नहीं था। ये देखिए सब बैठ चुके हैं और इधर ऑर्डर के लिए देखा जा रहा है मेन्यू में कि क्या मंगवाएं क्या ना मंगवाएं। तो हमने ऑर्डर किए थे 2 सूप दादू और नितिश के लिए, तो वो उनके सूप आ गए हैं। ये कहाँ आए हैं? इधर। आज सिया क्या खाएगी? सो खाना हमने ऑर्डर कर दिया था, उसमें मंगाए हमने मोमो, नान, दाल मखनी एंड पनीर की एक डिश थी, पता नहीं एग्जैक्टली कौन सी थी। तो अभी हम इंजॉय करते हैं अपना खाना और उसके बाद हम चलेंगे घर को वापस। जी खाना पीना हमारा हो चुका है और मेरा सर दर्द से बुरा हाल भी हो चुका है, जैसा कि हमेशा होता है। मुझे थोड़ा माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो वो थोड़े में हाइपर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा सर दर्द हो चुका है, हालांकि मैं दवाई खा के आई थी बट स्टिल। तो बस अब हम चल रहे हैं घर को वापस और ये देखिए पीछे सब आ चुके हैं और हम चल रहे हैं घर को वापस। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं। ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल द मॉडर्न पहाड़ी। मिलते हैं आपसे एक न्यू ब्लॉग में, टिल देन बाय, टेक केयर।